देखिए, हार्दिक का तो हमेशा से रोल सेम ही रहा है और अभी भी रोल सेम ही रहेगा उसका। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो टीम के लिए, और जैसा उसने वर्ल्ड कप में किया, आई थिंक उम्मीद रहेगी कि वो सेम कंटिन्यू करते रहे उसको। और टीम का एटमॉस्फेयर जैसे कि मैंने बोला हमेशा से अच्छा ही था। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप में खेले और खेलना चाहते हैं तो हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। और आपने जो बोला कि 3 प्लेयर रिटायर हो गए, डिफ़िकल्ट होगा शूज़ फिल करना, बट लोग ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना खेल चुके हैं, नए नए प्लेयर आ गए हैं जो उन लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। और इंडिया के लिए भी जो कुछ मैचेस खेले उन्होंने उसमें भी बहुत अच्छा किया है, तो मुझे बहुत भरोसा है उन तीनों पर जो अभी नए नए आए हैं उनकी जगह पर कि वो लोग अच्छा करेंगे। पहले तो हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के लिए अच्छा करना, तो वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था। जब वो अच्छा चल रहा है तो धीरे धीरे आप ये सोचते हो कि कैसे आप इंडिया को एक बड़ा टूर्नामेंट जिता सकते हो, मैचेस जिता सकते हो। फिर एक और गोल आता है कि कभी आप इंडिया को अगर कैप्टन करोगे तो आपके ड्रीम में ये रहता है कि अगर ड्रीम कि आप कैप्टन करोगे तो इंडिया को कैसे जिताओगे अच्छे टूर्नामेंट, अच्छे टीम्स के अगेंस्ट खेलने के बाद। तो ये भी एक और ड्रीम है जो बॉक्स टिक हो गया है और अच्छा लग रहा है। बट मैं हमेशा से ये सोचता हूँ, जो मैंने सीखा है रोहित शर्मा से, वो हमेशा एक लीडर के जैसे थे ग्राउंड पे और ऑफ द फील्ड, एक कैप्टन के जैसे नहीं थे। बहुत डिफरेंस होता है दोनों बातों में। एक लीडर थे जो ग्रुप के बीच में खड़े रह के लोगों को रास्ता दिखाया उन्होंने कि कैसे खेलना है ये T20 क्रिकेट और कैसे जीतना है टूर्नामेंट। तो वही मैंने उनसे सीखा है और वही सेम ट्रेन आगे चलेगी, खाली सिर्फ इंजन चेंज हो गया है, बोगियाँ वही हैं ट्रेन की। सर देखो, ट्रोल और ये सब तो चलते ही रहता है कोई भी स्पोर्ट में, क्रिकेट में ही नहीं, वो तो चलते ही रहता है। उसको उसके साथ आप एक प्लेयर, एक स्पोर्ट्समैन कैसे डील करता है वो इम्पोर्टेंट है, और मैं तो उसे बहुत हाई रेट करता हूँ। मैंने जैसे कि IPL के पहले भी कहा था, जब मैं उससे मिला था NCA में, जब मैं भी रिहाब कर रहा था वो भी रिहाब कर रहा था, कि उसमें वो एक एक्स फैक्टर है जो उसे बाकी सब चीज़ों को साइड में रख के जिसको फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर। और आई थिंक उसने रियलाइज़ किया वो IPL में, वो बहुत डिफरेंट प्लेयर था लास्ट 3-4 साल से, एंड मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। और उसका जैसे वो लास्ट 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि वो भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट भी एक अच्छा बेस सेट करता है, अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे आके परफॉर्म करने के लिए। आपको पता चलता है कि आपको रन कैसे बनाने हैं आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट पे, तो इट हेल्प्स यू इन दैट वे। और आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ हियर विद द टीम। आई थिंक नथिंग चेंजेस, एज आई सेड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट रिमेन्स द सेम। व्हाट आई हैव बीन प्लेइंग, व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द टीम, इट डजंट चेंज। इट्स गिवन मी एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स गुड दैट नाउ आई कैन डू वॉक द टॉक। सर आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट स्वॉप फ्रॉम इट्स इफ यू से 2014-15, इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ। And in 10 years, lot of things change. You become a different person altogether. You get to learn a lot of things. So I am also a complete changed man, Rao, and changed man now. Even after 2016, I got married also. So absolutely, you have to you have to change after that as well. But yeah, things are completely different now. Got to learn a lot of things from different captains I played under, and obviously. Rohit Sharma, I've been playing with him from last 6 years. So there's a lot of learnings taken from him, and in my own style, we'll take the ship forward. It's just the start now. I don't know after few months what the story will be for me. But currently, looking at this format, I know I've been playing this format for last 3-4 years. I know how to take things ahead, and being a leader, I can actually tell the team how to go about in this format, like how we've been playing in the last 1.5 years and other in Rohit's captaincy. So it won't be a different thing. I think it'll be good with a lot of different players in the dressing room, good characters around. So I think it's a good challenge. No, I mean, it was obviously exciting to take that walk. It's a nice walk from the dressing room till the ground. I always like it when you take that stairs and go down towards the ground. It's always a great feeling. But yeah, as a captain, it's a good feeling. बहुत अच्छा लगा नीचे जाके टीम के साथ, because ये सब लोग हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ पहले IPL में भी, and coach as well. I played under him. I've been with him, been around him for a long time. So it's a great feeling, and I am really excited for the journey ahead. मुझे तो नहीं लगता है कि बैटिंग स्टाइल इतना चेंज होगा, और जैसे कि आपने कहा कि प्रेशर होगा, प्रेशर तो होता ही है,
प्रेशर नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा ये स्पोर्ट खेलने का। और जैसे मैं खेलते आ रहा हूँ वैसे ही खेलूँगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब तो और अच्छा हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं एटलीस्ट खुल के टीम को बता सकता हूँ कि हमको किस किस ब्रांड का क्रिकेट खेलना है गोइंग फॉरवर्ड आगे T20 में। और कुछ ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं होगा, खाली यही है कि और मज़े से खेल सकता हूँ, और अब थोड़ा प्रेशर दूसरों पे ढकेल सकता हूँ और एंजॉय करके क्रिकेट खेल सकता हूँ अपना। और देखिए, हमारा बॉन्ड हमेशा हमेशा से स्पेशल रहा है, 2014 से लेके अभी तक, अभी एग्जैक्ट 10 साल हो गए उस बात को। और बीच में हम 2018 में मैं यहाँ दूसरे फ्रेंचाइज में आ गया और वो दूसरे फ्रेंचाइज में चले गए, बट हम रेगुलर बात करते रहते थे एक दूसरे से गेम के बारे में। जब वो दूसरी टीम से खेलते थे, मैं यहाँ से खेलता था, तो हम लोग गेम डिस्कस करते रहते थे कि क्या हम लोग बेटर कर सकते थे वो मैच में। तो जो लर्निंग थी वो तो 6 साल पहले से चलते आ रही है, जब मैं उनके साथ नहीं भी था साथ में, तो इसीलिए। और ये बॉन्ड हमेशा स्पेशल है। अभी लास्ट जैसे 3 4 दिन हो गए, हमने बात करी है बहुत, लेकिन इतनी बात नहीं करी है, बट उनको पता है मेरा बॉडी लैंग्वेज देख के, मुझे उनका बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि उनको मुझे क्या बोलना है और मैं उनको क्या बोलना चाहता हूँ। और कुछ बातें तो ऐसी भी है कि जब मैं नहीं भी बोलूँ तो उनको समझ जाता है कि हाँ, कि मैं वो क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूँ। तो ये एक बॉन्ड बहुत स्पेशल रहता है कोच और कैप्टन के बीच में। और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने आगे इस जर्नी के लिए। और लेट्स सी।